हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे पहले हम लोग इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने थेल्स थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका प्रूफ देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आपको एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। एनसीईआरटी बुक्स में जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ कैसा होता है, उसके बारे में आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है। तो पहले सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि थेल्स थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें आपको डीई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये जो डीई लाइन दिया हुआ है वो आपको बीसी लाइन का क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको एडी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीबी का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको इसी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए एक्चुअली में थेल्स थ्योरम बताता क्या है। थेल्स थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, सबसे पहला अप्लाई कब करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए और ट्रायंगल में जो तीन साइड है, तीन साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन होना चाहिए। तो हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस साइड बी सी के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है, कौन सा, डी। अब थेल्स थ्योरम आपको क्या बताता है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है तो बाकी ये जो पैरेलल लाइन है ये दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि डीई जो है वो आपको दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है किसका, बीसी का। तो बीसी का दिया हुआ है पैरेलल, तो बाकी दो साइड कौन बच गए, ए बी और कौन सा बच गए, ए सी। तो ए बी और ए सी को ये डी और ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये डी और ई पॉइंट पर ए बी को और ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों पार्ट का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई थेल्स थ्योरम। तो बाई थेल्स थ्योरम आपको क्या हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा कि ए डी और बाई डी बी, ए डी बाई डी बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको ए ई बाई ई सी के इक्वल हो जाएगा, ए ई बाई ई सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू है 1.5, डी बी का वैल्यू कितना है, डी बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और ई सी का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहां से अगर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको क्या मिलेगा कि 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, ई सी इक्वल टू 1 में 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 और ये आपको 1.5 जो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब 1.5 से आप इसको चाहो तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहां से कितना टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में, तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला इसी का क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक और फिगर दिया हुआ है और उसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो ये आपका सेकेंड फिगर है, इसमें भी आपको पहले से ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें आपको डीई और बीसी ही पैरेलल दिया हुआ था। जो पहले आपको डीई और बीसी पैरेलल था, अभी भी डीई और बीसी वही पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको डेटा केवल सिर्फ चेंज कर दिया गया है कि ए का जो वैल्यू है वो 1.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ईसी का जो वैल्यू है वो 5.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, डीबी का वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एडी का वैल्यू कैसे होगा या फिर किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी देखो सिंपल सा वही चीज करना है जो हम लोग पहला क्वेश्चन में किए थे, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, तो हमारा जो डीई दिया हुआ है वो पैरेलल दिया हुआ है किसका, बीसी का।
तो डीई पैरेलल अगर दिया हुआ है बीसी का तो बाय थ्रस्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, तो बाय थ्रस्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग थ्रस्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाय थ्रस्ट थ्योरम क्या लिखेंगे, फिर से वही सेम चीज एडी बाय डीबी का जो रेशियो हो जाएगा, एडी बाय डीबी का जो रेशियो हो जाएगा वो आपको एई बाय इसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एई बाय इसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम डेटा को पुट अप करेंगे तो एडी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो एडी का वैल्यू हम एडी ही छोड़ देंगे, इसका कोई वैल्यू हमें नहीं पता है। डीबी का जो वैल्यू है वो 7.2 है, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 7.2 सेंटीमीटर। एई का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.8 सेंटीमीटर। इसी का जो वैल्यू है वो 5.4 सेंटीमीटर है, तो ये हमको हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो यहां से हम चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एडी इंटू कितना हो जाएगा 5.4, एडी इंटू 5.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 इंटू कितना हो जाएगा 7.2। अब अगर हमें एडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस 5.4 को इधर डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, तो जो एडी का वैल्यू हो जाएगा वो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5.4। 1.8 से 5.4 जो हो जाएगा वो आपको 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा 2.4 टाइम्स में, यानी कि जो हमारा एडी का वैल्यू हो जाएगा वो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ एडी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडी का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपका सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ फाइंड आउट करना नहीं था, आपको 3 डेटा पहले से दिया हुआ था, ये 4th डेटा पता करना था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको थ्रस्ट थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा कि थ्रस्ट थ्योरम क्या होता है। तो आपको जो ट्रायंगल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, थ्रस्ट थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, एक्सरसाइज को जाने के पहले, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस थ्रस्ट थ्योरम को समझना पड़ेगा कि थ्रस्ट थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइएगा, एक्सरसाइज आपका इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप थ्रस्ट थ्योरम के बारे में जानिए और उसके प्रूफ के बारे में जानिए कि प्रूफ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग थ्रस्ट थ्योरम के ऊपर करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।